सीतापुर में नेशनल हाईवे पर मूर्छित हालात में एक छात्रा के मिलने का मामला सामने आया है। छात्रा को आनन-फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता मीरा अपने आप को लखनऊ जिले के गोसाईगंज इलाके में स्थित RPT कॉलेज की 11वीं की छात्रा बता रही है। छात्रा का कहना है कि वो कॉलेज से ऑटो में बैठकर घर के लिए निकली थी। अचानक रास्ते में ऑटो के रुकते ही कुछ लोगों ने इसे जबरदस्ती एक वैन में बैठा लिया। साथ ही वैन में बैठने वाले लोगों ने उसे एक इंजेक्शन भी लगा दिया। छात्रा मीरा का यह कहना है कि वैन में 4 से 5 लड़कियां भी बैठी थी जिनके वीवो भी लगा हुआ था। जैसे ही उसे होश आया वो चलती वैन से कूद गई। शहर कोतवाली इलाके के आवास विकास के पास हाईवे पर लड़की के कूदने की वजह से वैन नहीं रुकी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस मामले में लड़की के परिजनों को बुलवाया गया है, साथ ही वैन के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। और वो हमसे बोले रास्ते में जहाँ खाली रास्ता था सरोज कॉलेज के पास जी, वहाँ हमसे बोले बेटा रुको यहाँ में अपना सामान उतारना है। उसमें बोरी में रखे थे जी। तो हम उतर गए, वैसे ही वैन आई, हमको उसमें डाली, उसके बाद इंजेक्शन लगा दिया, फिर हमको नहीं पता। अच्छा, कितने लोग थे आप? बेटा अकेले थी? हम जब हमको बेटा है तो हम अकेले थे। उसमें लड़कियाँ काफ़ी थी जिनको वीवो लगा था। अच्छा, और लड़के भी थे जी, और भी लड़कियाँ थी। इसको ज्यादा बुलाओ नहीं दिया, फिर बाद में आप लोग। फास्टर क्या इसमें? तुम्हें फास्ट टाइम नहीं पता? इसमें ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, मूवीज, ट्रेवल्स, होटल्स, पार्टी, वेडिंग, कैटर्स, होम सर्विस, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। ये ऑल इन वन वेबसाइट है।